तो फाइनली गाइस टाइगर श्रॉफ की मूवी गणपत पार्ट वन थिएटर में रिलीज हो चुकी है। और अगर भाई इस वीकेंड आप टाइगर और कृति की ये मूवी देखने का प्लान बना रहे हैं, क्या ये मूवी आपका कीमती टाइम डिजर्व करती है या नहीं, जान लीजिए मेरे साथ आज के इस मूवी रिव्यू में। गज चिलर पार्टी, क्वीन, सुपर 30 और गुड बॉय जैसी मूवी का निर्देशन करने वाले विकास बहल की मूवी गणपत देखकर एक ही सवाल मन में उठता है और वो है क्यों विकास, क्यों आखिर क्यों। अब गाइस मूवी शुरू होते ही 5 मिनट के बाद ही आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये पूरी मूवी देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। विकास बहल जैसा निर्देशक, टाइगर श्रॉफ जैसा एक्शन हीरो, कृति सेनन जैसी नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस और भाई अमिताभ बच्चन जैसे सदी के महान नायक होने के बावजूद भी ये मूवी अगर आप लोग गलती से भी देखने की गलती करते हैं तो ये आपको बिग वाला डिसअपॉइंट करने वाली है, क्योंकि भाई गणपत को ये एक डिस्टोपियन एक्शन मूवी बता रहे हैं। डिस्टोपियन यानी वो मूवी जो भविष्य की कहानी को बयां करती है, जिसमें इंसाफ और सच्चाई के लिए लोग सिस्टम के खिलाफ जाकर आवाज उठाते हैं। लेकिन विकास बहल की ये मूवी इस तरह की कहानी बयां करने की कोशिश करती है। एंड वो कहानी क्या है, दलपति यानी कि अमिताभ बच्चन एक ऐसी दुनिया देखते हैं जहां पर अमीर और गरीब के बीच का फर्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक युद्ध के परिणाम की वजह से पूरी दुनिया का विनाश हो जाता है और इस युद्ध के दौरान बच गए हैं भाई अमीर, शक्तिशाली और लालची लोग, जो अपने लिए सिल्वर सिटी नाम से एक नई दुनिया बनाते हैं। लेकिन इस दुनिया में गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं और उन्हें सिल्वर सिटी से बाहर फेंक दिया जाता है और वो लोग इसी आस में जीते हैं कि एक दिन गणपत आएगा और उनके अच्छे दिन लौट आएंगे। अब गुड्डू से गणपत बनने का टाइगर का ये सफर कैसे आगे बढ़ेगा और जस्सी यानी कि कृति सेनन उसका किस तरह से साथ देगी, ये सब कुछ जानने के लिए भाई आपको गणपत मूवी देखने के लिए थिएटर जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गाइस बिलीव मी इस मूवी की कहानी को समझना जितना मुश्किल और कंफ्यूजिंग है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होगा आपके लिए इस मूवी को थिएटर में देखना। गज मेरे हिसाब से एक कॉमिक बुक में लिखी हुई कहानी भी आपको इस मूवी से ज्यादा एंटरटेन कर सकती है। और भाई मूवी की शुरुआत में गणपत पार्ट वन कहते हुए गणपत पार्ट टू की जानकारी देना, मेकर्स इसके लिए हिम्मत चाहिए बॉस, और वो आपने डेफिनेटली दिखाई है। अब विकास बहल ने इस मूवी के जरिए एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी जो पूरी तरीके से भाई फेल हो गई है, क्योंकि इस मूवी की कहानी पर कई जगह बिल्कुल सेंस नहीं बनती। जैसे कि भाई गुड्डू मुंबई की मराठी हिंदी टपोरी भाषा में बात करता है, लेकिन उनके दादा दलपति पंजाब के किसी गांव के मुखिया लगते हैं। एंड भाई बॉक्सिंग मैच से लोगों को बचाना भाई लॉजिक से परे है। एंड इसके अलावा मूवी में और भी बहुत सारे कमजोर फैक्टर हैं, जैसे कमजोर स्क्रीन प्ले, डिटेलिंग की कमी इस मूवी को और बेहद ज्यादा कंफ्यूजिंग बनाती है। गाइस हम एक बार इस सेंसलेस कहानी के लिए मेकर्स को शायद माफ भी कर दें, लेकिन टाइगर श्रॉफ की एंट्री और उनके कुछ एक्शन सीन पर भगवान गणपति का BGM साउंड करवाने के लिए भाई बप्पा उनको बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। हालांकि विकास बहल की इस मूवी में एक बात अच्छी है और वो है टाइगर का एक्शन, जो पहले भी हमने बहुत सारी मूवीज में ऑलरेडी पहले देख रखा है। अब मूवी का एक गाना भी मूवी के लिए एक बड़ा एरर है, जहां टाइगर फीमेल सिंगर की वजह आवाज से लिपसिंग कर रहे हैं। अब गाइस मूवी का नाम गणपत है, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी भगवान गणपति पर बनाए गए गाने का इस्तेमाल किया जाए। अब ओवरऑल देखा जाए तो ब्लंडर के मामले में तो भाई इस मूवी ने आदि पुरुष को भी पीछे छोड़ दिया है। एंड गाइस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आप एक्साइटेड होकर मूवी देखने के लिए थिएटर तक जाएं। इस हफ्ते OTT और थिएटर में अलग अलग फिल्में रिलीज हो रही हैं, फिर भी अगर आप इस मूवी को देखने जाना चाहते हैं तो भाई अपने रिस्क पर जाएं, क्या कर सकते हैं, टाइम भी आपका है, पैसे भी आपके हैं। और अगर बात रेटिंग की जाए तो भाई 1 star out of 5 इस मूवी को मैं दूंगा। बाकी गाइज आप अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल मूवी रिव्यू जर्नी में इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए ग्रेट डे, गुड बाय।